फ्लेमिंगो, और जिसे भी हमारे माल के बारे में पता है भाई की बात फक दिस फरक हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एक वेब सीरीज रिलीज हुई सास बहू और फ्लेमिंगो, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है। काफ़ी लोगों ने देख भी ली और काफ़ी लोगों को पसंद भी आई। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में उन फैंस के ऊपर या उन लोगों के ऊपर बनाने वाला हूँ जो कि वेट कर रहे हैं सास बहू और फ्लेमिंगो के सीजन 2 को लेकर। तो दोस्तों कुछ अपडेट्स निकल कर आई हैं मेकर की तरफ से जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको होस्ट मनीष से बात करने वाला हूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार की अपकमिंग वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो सीजन 2 के बारे में, और नजर डालूँ उसकी की सारी अपडेट्स पर डिस्कस करने वाला की स्टोरी का रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में। और दोस्तों आपने अभी तक सास बहू और फ्लेमिंगो का सीजन 1 नहीं देखा है तो दोस्तों जाकर देख लो, और जिन जिन लोगों ने देख लिया उनका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा था सीजन 1 को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेकर्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सीजन 2 भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उनकी एक कंडीशन है। जी हाँ दोस्तों, मेकर्स ने बताया था कि जितना अच्छा रिस्पॉन्स और जितनी अच्छी ये सीजन 1 जाएगा उतना ही जल्दी सीजन 2 पर काम करना शुरू कर देंगे। एज पर रिपोर्ट पता चला है सास बहू और फ्लेमिंगो का सीजन 1 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीजन है और काफी लोग एक्साइटेड है सीजन 2 को लेकर। तो दोस्तों मेकर्स की तरफ से तो कंफर्मेशन आ चुकी है कि सीजन 2 भी आपको देखने को मिलने वाला है, और वहीं मेकर्स ने एक हिंट भी दिया है सीजन 2 की रिलीज डेट को लेकर, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। मैं आपको बता दूं सीजन 2 में आपको 6-8 एपिसोड देखने को मिलने वाले, जो कि 45 घंटे के बीच में होने वाले, जो कि जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं सास बहू और फ्लेमिंगो सीजन 2 के सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो जैसा कि स्टारकास्ट अब आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलने वाले, इन फ्यूचर कोई नए फेसेस की स्टारकास्ट या मतलब नए कैरेक्टर की अनाउंसमेंट होगी तो दोस्तों आपको उसी चैनल पर देखने को मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैसे कि आपको स्टारकास्ट के बारे में भी पता चल जाए। मैं दोस्तों बात करूँ स्टोरी के बारे में, तो दोस्तों स्टोरी का कंसेप्ट वही एक बिजनेस के अराउंड होने वाला है, और किस तरीके से कौन आगे आकर उस बिजनेस को हैंडल करेगा और किस तरीके से जो स्टोरी को एंड छोड़ा गया उससे आगे